नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर, राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के डेविड ढींगिया प्रदेश सचिव मिले। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। दलित वाल्मीकि सफाई कर्मचारी पर दबंगों द्वारा किए जा रहे अत्याचार, उत्पीड़न पर कार्यवाही करने को लेकर मिले। नोएडा जनपद पर सफाई कर्मचारी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक सफाई कर्मचारी आत्महत्या कर चुका है। उनके साथ आशीष वाल्मीकि, बाबा संघ के प्रदेश प्रभारी वीर विनोद वैद, मंडल प्रमुख वीर सोनू बिरला, एडवोकेट जिला संयोजक वे सतीश गोदियाल वीर संदीप, एडवोकेट बीड्स बलबीर कांगड़ा वीर मोनू, नवीन टांग जसवीर वाल्मीकि, ब्रिजमोहन सूद आदि साथ रहे। परमिंदर सिंह की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मैं डेविड ढींगिया, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा। आज हम डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो हाथरस के अंदर जो हमारी मनीषा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, दबंगों को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि वाल्मीकि समाज की गवर्नमेंट के साथ जो है लगातार जो उत्पीड़न जो है होता आया है। हम ये चाहते हैं अब वाल्मीकि समाज जो है वो पूरी तरह से जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया है। ये सब चीज़ें जो है वाल्मीकि समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हम पूरा भारत जो है हम जो है सड़क पर उतर जो है आंदोलन शुरू कर देंगे, अगर जो है उन दोषियों को जो है फांसी सजा नहीं सुनाई दी। क्या डिमांड है आपकी? हाँ जी, उस लड़की के लिए क्या डिमांड है आपकी? हमारी मनीषा के लिए हम ये मांग करते हैं कि उन जितने भी दबंग हैं उनको जो है फांसी की सजा सुनाई दे। अगर उन्हें फांसी की सजा जो नहीं दी जाती है तो हमारा जो है वाल्मीकि समाज सड़क पर उतर के जो है आंदोलन शुरू कर देगा, जिसकी जो है जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की है। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद।